और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में आज सुबह जो हादसा हुआ उसके बाद ये देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। कई लोग इसमें घायल हुए, 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। दीवार गिरी, दीवार गिरने की वजह से उसके नीचे ही 9 लोग दब गए थे। जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा था तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं घायलों से बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए डिप्टी सीएम खुद अस्पताल पहुंचे हैं। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से दीवार गिर गई थी, मौत का तांडव देखने को मिला। 9 लोगों की दीवार गिरने से दबकर मौत हो गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसके साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों का हालचाल उन्होंने जाना है, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखिए घायलों से बातचीत करते हुए घायल व्यक्ति जो हादसे में घायल हुआ, इस हादसे का शिकार हुआ, उससे बातचीत करते हुए नजदीकी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। खुद अस्पताल पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, घायलों का हालचाल जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना को संज्ञान में लिया है, घायलों को, पीड़ितों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान सीएम की तरफ से किया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख लीजिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं। इससे पहले कुछ देर पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आपको दिखाया। तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने आपको दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, लापरवाही के पीछे जो भी जिम्मेदार है, जो भी दोषी है, पूरी कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई को सख्ती के साथ अंजाम दिया जाएगा। जांच टीम पूरी जांच करेगी। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तस्वीर आप देख रहे हैं जो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कि घायल से बातचीत करते हुए उसका हाल जानते हुए, 9 लोगों के हादसे में मौत हुई, कई लोग इसमें घायल हुए। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीर आप देख रहे हैं, आपसे बस कुछ ही मिनटों पहले की ये तस्वीर है। कुछ ही मिनटों पहले घटनास्थल पर ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। उनसे हमारे सहयोगी शुभम ने उनसे बातचीत भी की और उनसे सवाल जवाब किए, उनसे जाना कि किस तरीके से इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है और कैसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। डिप्टी सीएम की तरफ से साफ सीधे लफ्जों में कहा गया कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। किस तरीके से लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, क्या है इस हादसे के पीछे की असल वजह, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसकी जांच पड़ताल अच्छी तरीके से की जाएगी। तो लखनऊ में सुबह यह हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ। 2-3 दिन से लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से होटल की ये दीवार जो है वो गिर गई। लखनऊ की दिलकुशा कॉलोनी है, कैंट एरिया के पास ये कॉलोनी पड़ती है, दिलकुशा कॉलोनी, जहां पर ये होटल और जिसकी दीवार गिरी, दीवार गिरने की वजह से वहीं पर 9 लोग दब गए। जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया था तभी रास्ते में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। 9 लोग लापरवाही की भेंट चढ़ गए, मौत का किस तरीके से तांडव देखने को मिला वो आज सामने आया।